सन 30 दिसंबर 1967 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है निर्बल से लड़ाई बलवान की। मीठी मीठी रूहानी शिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि पहले अपन को आत्मा समझ कर बैठो और फिर बाप को याद करो। सीधा सीधा बाप को याद करें तो क्या हर्ज है? क्योंकि रोजमर्रे के जीवन में साकारी स्टेज ज्यादा रहती है, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कम है, तो सदाकाल आत्मिक स्थिति निराकारी स्टेज तो रहती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पहले अपन को आत्मा समझो, फिर आत्मिक स्थिति में टिकने से परम पिता परमात्मा बाप की याद जल्दी आवेगी, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं अटेंशन प्लीज। तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन दो। बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी बहुत प्यारा बनना है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में प्यारा बनना है। हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। तुमको खुशी तब रहेगी जब सबको सुख देंगे। सुख देंगे तो खुद भी सुखी रहेंगे और औरों का वाइब्रेशन भी अच्छा मिलेगा। तो कोई को दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते। बाप आए ही हैं सुख करने के लिए, सुखी बनाने के लिए। तो तुमको भी कोई प्रकार का किसी को दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। वाचा से कर्मेंद्रियों से जिससे दूसरों को दुख हो जाए। मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। कौन सी अवस्था? कि मनसा में भी कोई के प्रति दुख देने का संकल्प ना आवे। अभी तो कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती रहती है। अपन को आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा आत्मा भाई समझेंगे, प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी आत्मिक स्थिति की, तो किसी को भी दुख नहीं देंगे। क्योंकि शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? नई दुनिया में दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां आत्मिक स्थिति की पक्की प्रैक्टिस रहती है, और यहां पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि सब देह अभिमान में है। देह को समझने से 5 विकार आते हैं और 5 विकार दुख देते हैं। तो इसमें गुप्त मेहनत है। किस बात में? अपन को आत्मा समझने में अंदरूनी पुरुषार्थ की बात है, और ये सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। जब तुम पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखा था। अभी
अभी बुद्धि कैसी हो गई? पत्थर बुद्धि हो गई है, ज्ञान बुद्धि में टिकता ही नहीं है। ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए, माना पारस बुद्धि हो जाए, तो जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाएगी, ना वो कोई को दुख देंगे और ना दुख लेंगे। ज्ञान की पराकाष्ठा से दुख के वाइब्रेशन को भी सुख में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो कोई ने दुख दिया, गाली दी, ग्लानी की, तो ज्ञान में कौन सी ऐसी बात तुरंत याद आनी चाहिए कि दुख फील ना हो? नहीं, वो तो करने की बात हुई। ज्ञान का पॉइंट कौन सा समझ में आए? नहीं, हाँ, पूर्व जन्म में हमने इसको दुख दिया है तो हमको ये दुख दे रहा है। हम जब लक्ष्मी नारायण की स्टेज धारण कर लेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कोई दुख देगा क्या? कोई दुख नहीं देगा। तो मूल बात है ज्ञान की पराकाष्ठा की। हम हल्कापन अनुभव करेंगे, हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, हम हल्के हो गए। इस हिसाब किताब का अभी तक हमारे ऊपर वजन था जो हमको कर्मातीत अवस्था नहीं बनने देगा। तो अभी तुम पार्श बुद्धि बन रहे हो। जब तुम पार्श बुद्धि थे तो सुखधाम के मालिक थे, अभी तो ये दुखधाम है। और ये तो बहुत सिंपल बात है, ये दुखधाम वो सुखधाम और सबसे ऊपर शांति धाम स्वीट होम। फिर वहां से पार्ट बजाने आए, दुख का पार्ट बहुत समय बजाया है। क्यों है? तो आधा आधा, सुख भी 2500 साल और दुख का पार्ट भी 2500 साल। फिर दुख का पार्ट बहुत समय बजाया ऐसे क्यों बोला? है लंबी हो जाती है। हाँ, दुख का टाइम जल्दी नहीं बीतता और सुख का टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गया। तो अभी दुख की दुनिया को छोड़ करके सुख धाम में चलना है, इसलिए सबको भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख दे नहीं सकती, देह अभिमानी को दुख देते हैं। देह में जिसकी बुद्धि धरी हुई होगी वो ही देहधारी को दुख देगा। जिसकी बुद्धि देह से उपराम हो गई, अपनी देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, वो दूसरे को दुख दे ही नहीं सकता। अपन को आत्मा समझ, आत्मा से बात कर रहे हैं और आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। हम तख्त पर बैठे हैं और ये भी शिव बाबा का रथ है क्या? जिस तख्त पर शिव बाबा बैठे हैं वो भी शिव बाबा का तख्त है। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो कौन याद आता है? रथ याद आता है या शिव बाबा याद आता है? शिव बाबा याद आने चाहिए। खाना पीना, उठना बैठना, खेलना जड़ रथ करता है या करने कराने वाली उसमें आत्मा है? आत्मा है।
शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं तो शिव बाबा याद रहते हैं, वो कल्याणकारी बाप है, वो ही याद रहना चाहिए। जो रथ का मालिक है वो कल्याणकारी थोड़ा ही है। कौन है रथ का मालिक? रथ का सारथी है शिव बाबा, और रथी कौन है? जिसने रथ का जन्म लिया वो रथी है। शिव बाबा तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, तो जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है वो ही कल्याणकारी है और सदा काल का कल्याणकारी है। इसलिए सदा शिव, क्या थोड़े टाइम का शिव नहीं, शिव माने कल्याणकारी, सदैव का कल्याणकारी है। ऐसे नहीं आज कल्याण करता है कल लड़ाई हो जाए तो अकल्याण करना शुरू कर देगा, या कल हम उसकी ग्लानी करने लग पड़े तो हमारी अकल्याण करना शुरू कर देगा, नहीं, वो सदैव कल्याणकारी है। तो रथ में कल्याणकारी बाप ही याद आना चाहिए ना, देहधारी याद क्यों आना चाहिए? चाहे ब्रह्मा के तन में हो चाहे प्रजापिता के तन में हो, याद कौन आना चाहिए? करण करावन हार आत्मा याद आना चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं पांच तत्वों का भी कल्याण करता हूं, क्या मतलब? हाँ, जिस रथ में प्रवेश करता हूं वो भी तो पांच तत्वों का बना हुआ है। उस पांच तत्वों के रथ में रथी आत्मा बैठी हुई है, वो आत्मा चैतन्य है, चैतन्य आत्मा में ज्ञान बैठता है, तो आत्मा का तो कल्याण जल्दी होगा ही क्योंकि नजदीक है। सबसे पहले किसके कान सुनेंगे? जिसमें प्रवेश करता हूं पहले उसके कान सुनेंगे, पहले उसकी इंद्रियां संपन्न बनती हैं। लेकिन जो इंद्रियां हैं वो जड़ हैं या चैतन्य हैं? हैं, इंद्रियां तो जड़ हैं, शरीर का अंग है। तो जो जड़ रथ है वो पांच तत्वों का बना हुआ होने के कारण मैं उसका भी कल्याण करता हूँ। ऐसे नहीं सिर्फ आत्माओं का कल्याण करके चला जाता हूँ, इस सृष्टि पर पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जावेंगे। कैसे बन जावेंगे? मेरी याद करने से आत्माएं सतो प्रधान बनेंगी या पांच तत्व सतो प्रधान बनेंगे? नहीं, आत्माएं भी सतो प्रधान पहले बनेंगी, लेकिन आत्माओं का जो संघात है 500-700 करोड़ आत्माओं की बुद्धि में जब ये बात बैठ जाएगी कि एक बाप ही कल्याणकारी है और वो सब एकाग्र हो जाएंगी, नंबर बार एक के लव में लीन हो जाएंगी, एकाग्र स्टेज धारण करेंगी, तो तत्वों को भी सतो प्रधान बनना पड़े। पांच तत्व जो हैं वो जड़ हैं और आत्माएं चैतन्य है, चैतन्य आत्माओं में शक्ति ज्यादा होती है, ज्यादा शक्ति होने के कारण वो जड़त्व को भी चेंज कर लेते हैं। तो पांच तत्वों का भी मैं कल्याण करता हूं। वहां कोई भी चीज कब तकलीफ नहीं देती? कहां? नई दुनिया में पांच तत्व भी तकलीफ देने वाले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पांच तत्व भी सतो प्रधान होंगे, उन पांच तत्वों में भी याद के वाइब्रेशन भरे हुए होंगे। पांच तत्वों का अणु अणु याद के वाइब्रेशन से भरपूर हो जाएगा। यहां तो देखो कब तूफान आते हैं, कब ठंडी आती है,
कब बरसात होती है, पत्थर गिरते हैं, तो कितना तकलीफ देती है प्रकृति। पांच तत्व कितने दुखदाई हैं और वहां सुखदाई हो जाते हैं, अंतर क्या है? यहां जो पांच तत्व हैं उनको संग का रंग लगा है देह अभिमानियों का, इसलिए सब में चंचलता है, सब तामसी हो गए, पांच तत्व भी तामसी और वहां पांच तत्व भी सात्विक हो जाएंगे। तो वहां सदा बहार मौसम रहता है, कभी ज्यादा गर्मी, कभी ज्यादा बरसात, कभी ज्यादा ठंडी। नियम कानून से प्रकृति भी बाहर नहीं जाती, और यहां तो कानून मनुष्य ही तोड़ते हैं, मनुष्य का भाव स्वभाव संस्कार, प्रकृति ही ऐसी बन चुकी है, नए नए कानून बनते रहते हैं और कानूनों को तोड़ते रहते हैं। तो यहां तो दुख ही दुख है और वहां सुख का भंडार है, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा, वो है हेवन। क्या क्या नाम पड़ा? हैव इन। बुद्धि कहां रहती है, आत्मा कहां रहती है, बाहर या अंदर? अंदर रहती है। अंतर्मुखी रहती है या बहिर्मुखी रहती है? सब की आत्मा अंतर्मुखी रहती है, और यहां यहां बहिर्मुखी है। तो वहां है हेवन और यहां है हेल, नरक ही नरक है, सब बहिर्मुखी हैं। तो स्वर्ग या हेवन अच्छा या हेल या नरक अच्छा? नरक नाम ही पड़ता है, जो नरक करता है अपनी मनमत पर उससे बनता है नरक। और स्वर्ग जो स्वस्थिति में स्थित होते हैं, बाप आकर स्वस्थिति सिखाते हैं। मनुष्य तो स्वस्थिति में रहना जानते ही नहीं थे, तो स्वस्थिति में सारी दुनिया स्थित हो जाती है तो स्वर्ग बनता है। बाप आते हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने, क्या ऐसे नहीं कि तुम सिर्फ हेवन में रहते हो, रहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। हेवन में तुम्हारी ऊंची कुर्सी है, बाप तो ऊंचे से ऊंचे है, उसे भगवान कहा जाता है। ऊंचते ऊंचे बाप, वो ऊंचते ऊंचे टीचर और सुप्रीम गुरु कहा जाता है, सतगुरु कहा जाता है। तो सतगुरु सुप्रीम टीचर सुप्रीम बाप का काम करते हैं, पार्ट बजाते हैं, तो तुमको भी ऊंचे ही बनावेंगे ना। तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, बाप तुमको स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग में हेवन में ऊंचते ऊंच पद वाले थे। अभी ये तुम बात भूल गए हो क्या, कि हम ऊंचते ऊंच पद वाले थे, वो भी स्वर्ग में, जो ऊंचते ऊंच दुनिया है, दुनिया है ना, स्वर्ग में भी नंबरवार दुनिया, नंबरवार जन्म, और नरक में भी नंबरवार दुनिया, नंबरवार जन्म। तो स्वर्ग में जो ऊंचते ऊंच स्टेज वाली स्थिति थी, वातावरण था, उसमें तो ऊंची गद्दी वाले थे। अब ये तुम सारी बात भूल गए हो कि हम कौन थे और अब
अब क्या बन गए? अब तुम नरक के मालिक बन गए हो। नरक माना नरक क्या करता है? नरक बनाता है। नरक माना क्या? जहां कीड़े को बुलाते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं। कीड़े क्या करते हैं? नाली में एक दूसरे को काटते रहते हैं। तो नरक नर बनाता है, नर वैश्यालय बनाता है। वैश्यालय में सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, काटते रहते हैं, विचार बढ़ाते रहते हैं। अभी तुम ये बातें भूल गए हो क्या कि हम नरक में हैं? पहले हम कभी स्वर्ग में थे, जहां विचार का नाम निशान नहीं था। भक्ति मार्ग में कितना घोर अंधेरे में मनुष्य हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं है। और ज्ञान मार्ग में तो त्रिनेत्री बाप आकर के तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल देते हैं, तो घोर अंधेरे से घोर सोझरे में आ जाते हो। अंधेरे में मनुष्य कितनी ठोकरें खाते हैं और कितने दुखी होते हैं। अच्छा, अभी बाप आ गए, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान की रोशनी हमें मिल रही है, तो क्या हम ठोकरें नहीं खाते हैं? इसका मतलब ठोकरें खाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम सदैव स्व स्थिति में स्थित होकर बाप को याद नहीं करते हैं, तो ठोकरें खाते हैं। माया को मौका मिलता है, माया देखती है देवान में है, और माया अंधेरे में ठोकर के लाई देती है। ये बातें भी बाप ही बैठ समझाते हैं, और कोई इन बातों को समझाए नहीं सके कि माया कौन है और बाप कौन है। बाप की भी पहचान बाप ही देते हैं, और बाप माया तुम्हारी दुश्मन है उसकी भी पहचान देता है। माया क्या कहती है, क्या करती है? चली जाती है। माया बाप की पहचान नहीं होने देती। तुम बच्चे कहते हो बाप आया हुआ है, और माया क्या कहती है? बाप नहीं आया हुआ, ऐसा हो नहीं सकता, वो तो पहले कभी आया था, अब थोड़े ही आया हुआ है। मायावी जो गुरु लोग होते हैं वो क्या समझते हैं? अरे भगवान पहले कभी आया था, फिर बहुत वर्षों के बाद आवेगा, अभी थोड़े ही आवेगा। अभी तो दुनिया को सुधारने वाले, संवारने वाले, दुनिया का कल्याण करने वाले, कल्याणकारी शिव हम ही शिव हैं, हम ही त्रिमूर्ति शिव हैं। तो उल्टी पढ़ाई पढ़ाते हैं, माया और माया रावण। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे, आप रचयिता और रचना को जानते हो क्या? उनसे पूछो, जो उल्टी पढ़ाई पढ़ाते थे उनसे पूछते थे कि आप रचयिता को जानते हो, रचना को जानते हो? तो कह देते थे नेति नेति, ना रचयिता को जाना जा सकता है पूरी तरीके से, ना रचना को जाना सकता है, दोनों के बारे में कह देते थे नेति नेति, इसके आदि मध्य अंत कोई नहीं है। रचना के बारे में तो और ही कह देते, रचना तो और ही समझ से परे है, जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था रचयिता और रचना का। तो फिर वो ज्ञान परंपरा से अब तक कैसे चला आवेगा? वो ज्ञान तो जब भगवान आते हैं और दुनिया का विनाश होता है तो ज्ञान सारा लोप हो जाता है। द्वापर युग से थोड़ी स्मृति रहती है, शास्त्रों में सच्चाई रहती है, फिर बाद में जैसे जैसे शास्त्र लिखने वाले तामसी बनते जाते हैं, उसका तामसी इंटरप्रिटेशन होता जाता है, और सारा ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज्ञान परंपरा से कैसे आवेगा?
बाप कहते हैं अब रचयिता और रचना का असली ज्ञान मैं तुमको देता हूं। क्या रचयिता कौन है? रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? रचयिता भी साकार होगा और रचना भी साकार होगी। मैं क्या हूं? मैं असली रूप में क्या हूं? मैं निराकार हूं, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। परंतु जब रचयिता रचना की बात आती है तब मुझे साकार में आना पड़ता है। तो जिसमें पहले पहले आता हूं वो है साकार रचयिता, और उसके द्वारा जिसकी रचना होती है वो है रचना। रचना भी दो प्रकार की, एक पहली रचना और दूसरी उस पहली रचना से जो पहले पहले रचना होती है वो है फर्स्ट क्लास रचना। तो कौन हुआ रचयिता और कौन हुआ रचना? जिसमें पहले पहले प्रवेश करते हैं वो मनुष्य सृष्टि का पिता हुआ रचयिता, और उसकी पहली पहली रचना हुई वो जो सतयुग में नई दुनिया में पहले जन्म लेता है, पहला पत्ता बनता है, वो है रचना, फर्स्ट क्लास रचना है। उससे जास्ती फर्स्ट क्लास न कोई युग होता है जिसमें कोई पैदा हुआ हो रचना के रूप में, और न कोई रचना होती है। तो बोला ये ज्ञान रचयिता रचना का अब मैं तुमको देता हूं। सदगति हो गई फिर तो ज्ञान की दरकार ही नहीं। क्या ज्ञान की दरकार कब तक है? जब तक दुर्गति है, मन बुद्धि की दुर्गति, कर्मेंद्रियों की दुर्गति, फिर पांच तत्वों की दुर्गति। दुर्गति माने दुष्ट गति। दुष्ट सुख देता है या सुख देता है? दुष्ट दुख देता है, क्योंकि झूठा होता है। और सत्य सुख देता है। यहां तुम सब की है दुर्गति, परंतु ये किसी को पता ही नहीं है। क्या कि हमारी मन बुद्धि की, हमारे शरीर की, पांच तत्वों की दुर्गति है या सदगति है? लोग बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बनाते चले जा रहे हैं तो समझते हैं पांच तत्व सतो प्रधान है। अपनी आत्मा को समझते हैं कि हम तो सुख के लिए, देखो कैसी दुनिया बना रहे हैं। लोग क्या समझते हैं और असलियत, असलियत क्या है? दुर्गति का किसी को पता नहीं है कि हम दुर्गति में। बाप के लिए ही गाया जाता है, दुर्गति से लिबरेट करता है, गाइड करता है, सदगति में ले जाता है, दुर्गति से सदगति में ले जाता है। विषय वैतरणी नदी से कहाँ ले जाता है? क्षीर सागर में ले जाता है। खीर में अंतर क्या है? खीर में और विषय सागर में अंतर क्या है? खीर में चावल, दूध और चीनी तीनों एक हो जाते हैं, और उसमें नमक डाल दो, सागर दो, खारा ही खारा। नमकीन पानी डाल दो तो सारा टूट फूट अलग अलग हो जाएगा। तो बोला खीर खंड में ले जाता हूं, सब की नैया को पार लगाता हूं। कहां से पार लगाता हूं? क्षीर सागर में ले जाने के लिए विषय सागर से पार ले जाता हूं। सबकी आत्मा और नैया, नैया क्या है? ये शरीर रूपी नैया और उसमें बिठैया आत्मा सब की विषय सागर में पड़ी हुई है। मन बुद्धि में विषैले संकल्प चलते रहते हैं, इंद्रियां विषय भोग चाहती है, वाचा में जैसे ज्ञान सुनने और सुनाने की रग ही खत्म हो गई। नहीं तो क्या होना चाहिए?
सुबह से शाम तक ज्ञान सुनना और सुनाने की अभ्यास पक्का बना रहे, दूसरी कोई बात ही नहीं। लेकिन न आत्मा में वो रग रहती है और न शरीर की कर्मेंद्रियों में वो रग दिखाई पड़ती है। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, क्यों? विष्णु को क्षीर सागर में क्यों दिखाते हैं? शंकर जी को क्षीर सागर में क्यों नहीं दिखाते? ब्रह्मा को क्षीर खंड में, क्षीर सागर में क्यों नहीं दिखाते? हैं? विष्णु माने नो विश एट ऑल। हाँ, जो विष्णु है जैसा है वैसा ही उसको चाहिए स्थान। आत्मा सत्व प्रधान है तो उसको सत्व प्रधान स्थान, सत्व प्रधान वाइब्रेशन, सत्व प्रधान दुनिया चाहिए। तमो प्रधान विषैली आत्मा है तो उसको विषय विकारों की दुनिया चाहिए, वही उसको आनंद आएगा। नाली का कीड़ा होगा और उसको साफ सुथरे स्थान में धूप में रख दो तो उसे मजा नहीं आएगा, बिलबिला के मर जाएगा। तो जो विषयी आत्मा है उसको विषयी विषय भोग चाहिए, और जो निर्विष आत्मा है उसको नो विषय अटल विष्णु की दुनिया चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि शंकर को क्षीर सागर में क्यों नहीं दिखाते हैं? शंकर जिसका नाम दिया गया है, जो पार्टधारी है, वो दुनिया का सबसे तमो प्रधान पार्टधारी है या सबसे सत्व प्रधान पार्टधारी है? हैं? उसमें दो आत्माएं विशेष हैं, हैं तो तीन, जो तीसरी है वो तो पढ़ने वाली है, लेकिन दो आत्माएं विशेष हैं। एक उसमें है भोक्ता और एक है अभोक्ता। जो अभोक्ता है वो एवर प्योर है, क्या वो कभी विषय भोग भोगता ही नहीं, सदैव ही निर्विष है। और दूसरी आत्मा वो दुनिया की सबसे जास्ती विषय भोग भोगने वाली आत्मा है। सबसे ज्यादा विषय भोग रानियों ने भोगे या राजाओं ने? राजाओं ने सबसे ज्यादा विषय भोग भोगे। रानियां तो जहां देखती थी कि अब मुसलमान आकर के हमको दूषित करने वाले हैं तो फटाक से जौहर कर देती थी, उन्हें व्यभिचार पसंद ही नहीं था। और राजाओं को, भारत के राजाएं तो दुनिया में बड़े प्रसिद्ध हो गए। दुनिया के सब धर्मों में नियम बनाया गया कि तीन या चार शादियां कर सकते हैं। भारतवासियों ने क्या किया? भारतवासियों ने तो जाने कोई, उनका कोई हिसाब ही नहीं। तो सबसे ज्यादा पतित कौन सा देश बनता है? भारत देश। और उसमें भी जो राजाएं हैं, ऐसे तो यथा राजा तथा प्रजा, जब राजाएं यहाँ के पतित बने, विषयी विकारी बने, तो प्रजा भी ऐसी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो नियम है, यथा राजा तथा प्रजा। राजा में ताकत है, आधा में जाम आधा में रैयत। आधी संपत्ति राजा भोगता है, धन संपत्ति वैभव, और आधे में प्रजा भोगती है। तो प्रजा के पास इतना वैभव तो है नहीं, जो खुलेआम इतनी शादियां करे और विषय भोग भोगे तो क्या करेगा? प्रजा का आदमी चोरी छिपे करता रहा, तो चोरी छिपे करने उसके तो और कोई हिसाब ही नहीं। तो बहुत सारी दुनिया राजाएं और उनकी प्रजा बहुत विकारी बनी। अभी बाप आते हैं बताते हैं इन विषयी विकारियों के बीच जो राजाओं की क्वालिटी वाली आत्माएं हैं, उन राजाओं के बीच सबसे जास्ती विकारी कौन बना, सबसे जास्ती पतित कौन बना? वो अपने मुख से ही बोलता है शास्त्रों में, मैं पतितनु को राजा। क्या सिर्फ पतित ही नहीं, मैं पतितनु को राजा,
माने पतितों का भी राजा, माने जितने भी पतित विकारी राजाएं हुए उन सबसे जास्ती पतित और विकारी कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा सबसे जास्ती विकारी हुई। लेकिन हम बच्चे ये समझते हैं कि हमें तो उसको देखना ही नहीं है। हम किसको देखते हैं? हम तो शिव बाबा को देखते हैं, हम पतित विकारी को नहीं देखते। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे या उनके मुख से बाबा पूछते थे बच्चों से, किसकी गोद में आए हो? तो जो बच्चे कहते थे ब्रह्मा बाबा हम आपको देखते हैं आपकी गोद में आए, तो बाबा कहते फेल। जो कहते शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो इसका मतलब है उनको शिव याद रहा ना। जिस बिंदु का नाम शिव है, जो सदैव पावन है, वो याद रहा, तो जैसी भावना वैसी दुनिया बन जाती है। तो तुम बच्चे अंदर से ये जानते हो कि इस दुनिया में सबसे पतित विकारी कौन है? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है वो सबसे जास्ती पतित और विकारी, और उसी तन में शिव बाबा आया हुआ है। जिसको हम शिव बाबा कहते हैं वो उसी तन में आया हुआ है। तो एक वृक्ष और उसमें दो तरह के पक्षी वेदों में बता दिए। क्या ये दुनिया एक षष्ठी रूपी वृक्ष है और उसमें दो पक्षी मुख्य बैठे हुए हैं, एक है भोगी और एक है अभोक्ता। अब ये अपने ऊपर है कि हम किसको देखें। क्या अभी क्या हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई की नजर लगी हुई है शंकर के ऊपर, कौन से शरीरधारी के ऊपर लगी है? है भोगी के ऊपर लगी है या भोक्ता के ऊपर लगी है? जिनकी नजर भोगी के ऊपर लगी हुई है वो गुण देखेंगे या अवगुण देखेंगे? उनको तो अवगुण ही दिखाई पड़ेगा। और जिन बच्चों ने बाप को पहचान लिया, बाप की पहचान जिनकी बुद्धि में बैठ गई, वो किसको देखेंगे? शिव बाप को देखेंगे। जो एवर प्योर है उसको देखेंगे। तो कौन की आंखें जय पहले पवित्र बनेंगी और कौन की आंखें अपवित्र बनती जाएंगी? जो शिव बाबा को देखेंगे खून की आंखें उनकी दृष्टि पवित्र बनती जाएगी और औरों की दृष्टि अपवित्र बनती जाएगी। तो खीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं, परंतु है ये सब भक्ति मार्ग। क्यों? क्षीर सागर दिखाते हैं और उसमें विष्णु को दिखाते हैं, ये भक्ति मार्ग क्यों? बात तो सही है, विष्णु कहाँ होगा? विष्णु तो क्षीर सागर में होता है, फिर भक्ति मार्ग क्यों बता दिया? वो क्षीर सागर कैसा समझते हैं? ये नहीं समझते कि क्षीर सागर ऐसी भी दुनिया कोई होती है जहाँ सब आपस में मिलजुल करके कैसे होकर रहते हैं? खीर खंड होकर के रहना माना यूनिटी में रहना। प्योरिटी है आत्माओं में तो ऐसी यूनिटी बनती है, प्योरिटी नहीं है तो आपस में एक दूसरे से खार खाते रहते हैं। खारा ही होगा। बड़ा बड़ा तालाब बनाते हैं क्षीर सागर के लिए, उसमें विष्णु को दिखाते हैं, विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। क्या बड़ा चित्र क्यों दिखाया है? कोई बड़ा काम करते हैं तो बड़ा चित्र बनाते हैं। जैसे पांडवों के बड़े बड़े छत इतने ऊंचे चित्र बनाते हैं, तो जरूर पांडवों ने बड़ा काम किया होगा, उनकी बुद्धि बड़ी रही होगी। उन पांडवों में भी भीम को अब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दिखाते हैं। इसका मतलब भीम जो है ज्यादा ताकतवर रहा होगा, उसने ज्यादा काम करके दिखाया होगा। क्या काम करके दिखाया? अकेले भीम ने 100 कीचकों को मारा और 100 कौरवों को मारा था, तो बड़ा काम किया ना, इसलिए भीम को बड़ा दिखाया है। ये बुद्धि की विशालता दिखाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का चित्र बहुत बड़ा बनाते हैं, तो जरूर उनमें बुद्धिमत्ता इतनी रही होगी जितनी और धर्म पिताओं में बुद्धिमत्ता नहीं रही। क्या बुद्धिमत्ता रही?
कि उन्होंने ऐसे धर्म की धारणाएं सिखाई जिसमें आत्मा का भी नाम निशान नहीं, परमात्मा का भी नाम निशान नहीं, और फिर भी नियम पक्का बना दिया अहिंसा परमो धर्म। तो बुद्धिमान थे ना, तो बोला ये सब भक्ति मार्ग है। विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं, बाप समझाते हैं तुमने सारे विश्व पर राज्य किया है, इसके लिए फिर इतनी बुद्धि चाहिए, तो बड़ा बनाते हैं। तुमने अनेक बार हार खाई है और अनेक बार जीत पहनी है, कब हार खाई और कब जीत पहनी? हर 5-4 वर्ष के बाद हम जीत भी पहनते हैं और उससे पहले हार भी खाते हैं। कल्प कल्प हम हार खाते रहे और कल्प कल्प हम जीत भी पहनते रहे, अनेक बार की बात हो गई। अभी बाप कहते हैं इसका कारण क्या हुआ, हार जीत का मूल कारण क्या है, काहे से हार हुई, किस बात के कारण हार हुई और किस बात के कारण जीत होती है? इच्छा मात्रम अविद्या, इससे होती है जीत। और जहां कामना रहती है, काम विकार रहता है, वहां होती है हार। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो मूल बात काम विकार के ऊपर आती है, अगर काम विकार को जीत लिया तो जीत ही जीत है, फिर हार होने की बात नहीं। इसलिए कहते हैं काम जीते जगत जीते। और काम की जो इंद्रिय है उस इंद्रिय के लिए भी कहते हैं काम इंद्रिय, इंद्रिय जीते जगत जीते। तो खुशी से ऐसा जगत जीत बनना चाहिए ना, कैसा, जो जगत को जीत पाने वाला हो, बलग्रस्त व्यवहार में हो। क्या ऐसे ही नहीं सन्यासी बनकर के जीत लिया, बलग्रस्त व्यवहार में रहने वाला हो परंतु इंद्रियों पर जीत पाने वाला हो, कमल फूल के समान जीवन हो। क्या विशेषता है कमल फूल में और गुलाब में? कमल का फूल कीचड़ में भी रहता है, कितना गाढ़ा कीचड़ होता है, कितना गंदा होता है, और कीचड़ में से निकालो तो कोई निशान भी नहीं रहता, और गुलाब के फूल को डाल दो कीचड़ में तो खत्म ही हो जाएगा। अभी तो तुम कांटे से फूल बन रहे हो, क्या अभी तुम कमल फूल सामान बने नहीं हो, अभी हो तुम कांटे दुख देने वाले, उससे बदल करके फूल बन रहे हो। समझ में आता है क्या, ये सब जो कांटों का, फूल का और भांति भांति के फूलों का मिसाल दिया जाता है, वो सब मिसाल किसके लिए है? हम बच्चों के लिए ये मिसाल है। कांटे एक दो को कितना तंग करते हैं, एक दो को मार भी देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सब की अभी वानप्रस्थ अवस्था है, तुम्हारा कोई बचपन नहीं है क्या, अब सबकी अंतिम जन्म है, इस अंतिम जन्म में सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। माना अनेक जन्म विकार भोगते भोगते अब अंतिम घड़ी आ गई। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, वो भी कितने समझदार पैदा होते हैं, उनमें भी कितने विकार भरे हुए हैं। तो ऐसे नहीं कि कोई बाल अवस्था में है, कोई महात्मा है, जैसे बाबा कहते हैं छोटे बच्चे तो जैसे महात्मा होते हैं, नहीं, अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बड़े सब वानप्रस्थ अवस्था में है।
अभी तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो। किस लिए पढ़ते हो? वाणी से भी परे चले जाओ। बाप कहते हैं सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, तो वानप्रस्थ का सही अर्थ समझना चाहिए ना, वाणी से परे हो जाना चाहिए। माना कोई भी विकारों की बात आएगी तो पहले मन के अंदर आएगी, मन के अंदर से फिर स्थूल रूप धारण करती है तो वाचा में आती है। तो अब वाणी से भी परे चले जाना चाहिए। ये भक्ति में रसम रिवाज चलती है। यहां तुम वानप्रस्थी बनते हो तो भक्ति मार्ग में भी वाणी से परे चले जाते हैं। माना बात करना छोड़ देते हैं, घर परिवार वालों से ही बात करना बंद कर देते हैं। हमारा अब कुछ लेन देन बातचीत का भी वाचा का भी कोई कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन बात कहाँ की है? यहाँ की बात है कि जब हमारी आत्मा निराकारी स्टेज में आकारी स्टेज में टिक जाएगी तो हमको बात करने की भी दरकार नहीं रहेगी। 60 वर्ष से गुरु करना शुरू करते हैं और तुमको तो अभी मिला है सदगुरु। वो तो भक्ति मार्ग में 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं और तुमको तो अभी, तुम्हारी सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है और तुमको सदगुरु मिला हुआ है। वो सदगुरु तो तुमको सच्चे वानप्रस्थ अवस्था में ले ही जावेंगे। वो वानप्रस्थ अवस्था तो झूठी है जहाँ वाणी से परे कर देते हैं स्थूल रूप में, और तुमको तो सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था में ले जाते हैं जहाँ तुमको अंदर से ही इच्छा नहीं होगी क्या कि हम वाचा में आवे। ये यूनिवर्सिटी है, भगवान वाच है ना। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। ये मैं भगवान क्यों करते हैं? हाँ, भगवान है तो हमको तो ये कहता है मैं पना भूल जाओ। हाँ, बार बार बोलते हो मैं हाँ। तो बाप बोलते हैं जब मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, वो सच्चा बोलते हैं या झूठा बोलते हैं? वो तो सच्चा बोलते हैं, कोई झूठी बात नहीं बोलते। एक बाप के सिवाय और कोई राजयोग ऐसा योग कोई नहीं सिखाता जिसमें ये राज भरा हुआ हो, जो राजाओं का राजा बनाए। पूज्य राजाएं थे वो ही फिर पुजारी बने। कैसे? पूज्य कब थे? पूजनीय कब थे? जब आत्मिक स्थिति वाले थे तो पूज्य थे। स्वस्थिति में स्थित थे, देवता थे, स्वर्ग में थे तो पूज्य थे। फिर द्वापर युग में क्या करते हैं? द्वापर युग में स्वर्ग तो होता ही नहीं, आत्मिक स्थिति किसी की होती नहीं, तो क्या करते हैं? वो ही देवताएं जो पूज्य थे, आत्मिक स्थिति वाले थे, स्वस्थिति वाले थे, वो परचिंतन में आ जाते हैं, पर से प्रभावित हो जाते हैं। किससे प्रभावित हो जाते हैं? रावण देहधारी गुरुओं से प्रभावित हो जाते हैं। जब प्रभावित हो जाते हैं तो जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। क्या अच्छी रीति पुरुषार्थ करो? क्या क्या अच्छी रीति पुरुषार्थ करो? अच्छी रीति यही पुरुषार्थ करो कि जो पुजारी हैं उनसे प्रभावित मत हो। किससे प्रभावित हो? हैं, जो सदैव ही पूज्य था। सदैव पूज्य कौन होता है? शिव बाबा। षष्ठी पर सदा कायम है या कभी कायम है कभी नहीं कायम है? इस षष्ठी पर सदा कायम। कहाँ सदा कायम? कहाँ है वो? तो 2500 साल परम नाम में रहता है। हाँ, जो परम धाम में रहता है वो शिव बाबा नहीं है, वो है शिव बाप। लेकिन जिस साकार में प्रवेश करते हैं वो है
शिव बाबा, और वो शिव बाबा कभी विधर्मियों के प्रभाव में आता नहीं है, भले प्रभाव में नहीं आता है, फिर भी संघ का रंग लगता है या नहीं लगता है? संघ का रंग तो लगता है। तो आखिरी जन्म में क्या बन जाता है? मुसलमान बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, बौद्धी बन जाता है, क्या बन जाता है? वो कोई को नहीं मानता। क्या मानेंगे? तो एक सनातन धर्म को मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो किसी को नहीं मानेंगे, नास्तिक बन जाता है। इसलिए मुरली में बोला है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है, 100% नास्तिक है। नास्तिक माना जो किसी को न माने, किसी साकार को माने ही नहीं माने। तो सबसे बड़ा अहंकारी हुआ ना, हैं? सबसे बड़ा देह अहंकारी हुआ क्या? सबसे बड़ा आत्माभिमानी हुआ? सबसे बड़ा देह अहंकारी हुआ। अब ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है। जो सबसे बड़ा दुनिया का देह अहंकारी, उसी में हाँ विदेही आके प्रवेश करता है बहुत चालाक कि इस मुट्ठे को कंट्रोल कर लेंगे तो सारी दुनिया कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, सबसे ऊंचा निरहंकारी और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा अहंकारी अहमदाबादी। बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो। क्या अच्छी रीति पुरुषार्थ करने का क्या मतलब हुआ? दैवी गुण कि जो देवताएं थे स्वर्ग में, स्वस्थिति में वाले थे, उनका जो मूल गुण है उसको धारण करो, भल खाओ पियो। हैं? खाने पीने के लिए मना मना नहीं है कि तुम व्रत उपवास करना शुरू कर दो, जैसे भक्ति मार्ग में करते आए। भल खाओ पियो, श्रीनाथ दरबारे में जाओ। क्या तुम्हें श्रीनाथ दरबारा अच्छा लगता है या जगन्नाथ दरबारा अच्छा लगता है? हाँ, जगन्नाथ दरबारा अच्छा लगता है। श्रीनाथ दरबार में तो मालपुआ मिलते हैं, है? नहीं, वहां मिलते तो हैं, लेकिन पैसे वालों को मिलते हैं। वहां भोग दिया जाता है पैसे वालों को, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। श्रीनाथ द्वारे में जाओ, देखो वहां घी के माल मिलते हैं और ढेर के ढेर भी मिलते हैं, घी के कुएं बने हुए हैं। क्या वहां घी का कुआ बना हुआ है? वो फिर खाते कौन हैं? जो घी का कुआ बना हुआ है, घी के माल बनते हैं, खाते कौन हैं? जो वहां के पंडे पुजारी हैं वो घी के बने हुए माल खाते हैं। पब्लिक को क्या देते हैं? हैं? पब्लिक को कहेंगे पैसा लाओ, तो जितना दोगे उतना तुमको बढ़िया और ज्यादा माल मिल जाएगा। 30/12/67 की वाणी का दूसरा पेज, श्रीनाथ और जगन्नाथ हैं दोनों काले। ऐसे नहीं कि श्रीनाथ जो है वहां 36 प्रकार के भोग मिलते हैं, घी का बना हुआ माल मिलता है, तो कोई गोरे होंगे? नहीं, वो भी काले, और जगन्नाथ भी काले। जगन्नाथ के मंदिर में जावेंगे तो बाबा ने बताया कि वहां बहुत गंदे चित्र देवताओं के हैं। मंदिर के बाहर है या मंदिर के अंदर है? बाहर बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। कहाँ की यादगार है? कैसे यहाँ आके चुप? माना जब तक विष्णु के मंदिर में न पहुंचे तब तक कैसे हैं? तब तक गंदे हैं, गंदे चित्र दिखाए गए। श्रीनाथ के दरबारे में न अंदर न बाहर गंदे चित्र नहीं दिखाए गए। माने श्रीनाथ, माने कृष्ण की आत्मा ने जो पार्ट बजाया जीवन रहते रहते, उसमें गंदा काम कर्म इंद्रियों से नहीं किया, और उन्होंने कर्म इंद्रियों से गलत काम किया, गंदा काम किया।
अच्छा गंदा काम किया तो कमल फूल समान जीवन किसका गाया जाता है? श्रीनाथ का है या जगन्नाथ का है? जगन्नाथ का कमल फूल समान जीवन है। और बाबा शिक्षा किस कौन सा फूल बनने की देते हैं? कमल फूल समान बनेंगे तो किंग फ्लावर बनेंगे। अगर कमल फूल समान जीवन नहीं धारण करेंगे, सन्यासी बन के रहेंगे और फिर गुलाब की तरह रहेंगे, तो कमल फूल समान जीवन न होने के कारण फिर राजा या राजाओं के राजा नहीं बने। बाप की शर्त है रहो घर गृहस्थ में। कहाँ रहना है? घर गृहस्थ के कीचड़ में रहना है, और गृहस्थ के कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम रहना। तो दोनों को काला दिखाया है संगम युग में, माने दोनों जगन्नाथ या श्रीनाथ जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो दोनों साथ साथ सतो प्रधान बनती है या आगे पीछे सतो प्रधान बनती है? चाहे ब्रह्मा से विष्णु बनने वाला हो, चाहे प्रजापिता से विष्णु बनने वाला हो, दोनों साथ साथ काले से गोरे बनेंगे या दोनों में से कोई पहले काले से गोरा बन जाता है? हाँ, उनमें ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी होने के कारण वो समझते ही नहीं कि पवित्रता असली क्या होती है, इसलिए वो काले हैं क्या? और वो उनमें न, गोरे वो भी नहीं है, दोनों ही काले हैं। वो तो अज्ञानता के कारण जैनियों ने दो तरह के मंदिर बना दिए हैं क्या? एक सफेद मूर्तियों वाला मंदिर और एक काली मूर्तियों वाला मंदिर। वो जैनी लोग इस बात को समझते ही नहीं है, और काली मूर्तियों वाला मंदिर भी ऊपर बनाया हुआ है। ये क्या चक्कर कि वो ऊंची स्टेज वाले हैं, उन्होंने गहराई की बात को समझा हुआ है ऊंची स्टेज वालों ने, और जो नीचे रखे हुए हैं सफेद मूर्तियां, उन्होंने उतनी ऊंची पढ़ाई उतनी ऊंची चाढ़ ही नहीं चढ़ी है ज्ञान की। इसलिए हैं तो नीचे, लेकिन उन्होंने जो सीढ़ी न चढ़ी है उसके कारण बुद्धि जितना समझा है उतना पवित्र बने। बेसिक नॉलेज में जितनी ज्ञान होगा उतना ही पवित्र बनेंगे या बिना ज्ञान के पवित्र बन जाएंगे? बेसिक नॉलेज है तो बेसिकली पवित्र बनेंगे, एडवांस ज्ञान है तो एडवांस के पवित्र बनेंगे। एक है सन्यासियों की पवित्रता और एक है देवताओं की पवित्रता। कौन ज्यादा ऊंचे हुए? देवताएं ज्यादा ऊंचे हुए। देवताओं में भी एक है राजा बनने वाले और एक है रानी बनने वाले। कौन अधिकारी है कौन आधीन है? राजा है अधिकारी है, रानी आधीन है। क्यों वो आधीन क्यों बनी? उनमें तो ज्यादा पवित्रता रही जन्म जन्मांतर, उनके आए बगैर तो ये पवित्र बन भी नहीं सकते। हाँ, उनको बाप की पहचान नहीं होती। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई? बाप की पहचान। अम्मा को तो पहचान लिया, रानियों ने किसको पहचान लिया? बच्चियां जो घर में पैदा होती हैं वो किसकी तरफ जाती हैं? अम्मा की तरफ जाती हैं। और बच्चा बाप की तरफ जाता है। ये दो हैं, एक विजयमाला एक रुद्रमाला। रुद्रमाला है बच्चे और विजयमाला है बच्चियां बनती हैं रानी, और रुद्रमाला के बच्चे बनते हैं राजा। सारा फाउंडेशन यहां से पड़ा हुआ है। तो जगन्नाथ के मंदिर में बहुत गंदे चित्र लगे हुए हैं, तो दोनों काले। श्रीनाथ को भी काला दिखाते हैं और जगन्नाथ को भी काला दिखाते हैं, लेकिन बहुत गंदा किसको दिखाते हैं? जगन्नाथ के मंदिर को जो यादगार मंदिर बनाया हुआ है उसमें बाहर जो मूर्तियां रखी हुई हैं वो बहुत गंदी दिखाते हैं। दिखाने वाले कौन है? ज्ञानी आत्माएं हैं या अज्ञानी आत्माएं? भगत ही तो है। उन भगतों ने ज्ञान की गहराई को नहीं समझा है,
तो न समझने के कारण उनको उनको गंदा दिखा दिया है। और श्रीनाथ के मंदिर में जो मूर्तियां रखी हैं उनको उनको सुंदर दिखा दिया है। अभी वह चित्र हैं या गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं ये कोई जा करके देखे, बाबा को संशय आता है। जाए करके देखे, कलकत्ते के नजदीक है कटक, क्या है उसी तरफ जगन्नाथ भी है उसी तरफ कटक भी है, देख करके आवेंगे। वहां कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का मंदिर भी है, वहां और ही गंदे गंदे चित्र बने हुए हैं, देख करके आवेंगे, सर्विस भी करके आवेंगे। कलकत्ते वाले को ही डायरेक्शन मिलती है, क्या डायरेक्शन भी किसको मिलती है? जो कलकत्ते वाले हैं, कलह क्लेश कट्टा करने वाले हैं, उनको ये डायरेक्शन मिलती है, क्या कि वहां कोणार्क मंदिर में जावे और उनकी सेवा करके आवे। वहां चावल का हंडा बनाते हैं, कहां जगन्नाथ मंदिर में पकाते किसको है? चावल पकाते हैं, माना बेसिक नॉलेज लेकर के जो बिंदु की याद में टिकते हैं और बेसिकली पास हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं, उनकी आत्माओं को पकाया, आत्मा रूपी चावलों को पकाया जाता है। आत्मा रूपी चावल बना माने बेसिकली उनकी आत्मा की कट, देवहानी की बेसिकली कट उतर जाती है। वो डायरेक्ट बाप से सीखते हैं, जब डायरेक्ट बाप से सीखते हैं तो फिर बाप उनको योगाग्नि में डालते हैं, योगाग्नि का हंडा चढ़ाया गया उसमें वो चावल पकते हैं। जो पक जाने से चार भाग हो जाती है, जो चावलों का हंडा जब पूरा पक जाता है तो चार भागों में फट जाता है, माना जब एडवांस पार्टी शुरू होती है तो शुरुआत में जिनको ये एडवांस ज्ञान मिलता है वो कितने होते हैं? चार ही होते हैं बीज रूपात्मा, वो चार धर्म की चार बीज रूपात्मा होती हैं, लेकिन उस समय होती हैं अधूरी, न पकी हुई, कच्ची है, कि ज्ञान में पक्की होती हैं वो कच्ची होती हैं। फिर जिन्होंने कच्चा ज्ञान लिया, जिन्होंने पक्का ज्ञान लिया, कौन नंबर वन, कौन नंबर दो, तीन, चार, चौथे नंबर का पुरुषार्थ किसने किया, अव्वल नंबर का पुरुषार्थ किसने किया, वो चार भाग हो जाते हैं चावलों में। क्या मुख्य धर्म कितने हैं? चार मुख्य धर्म है, बाई तो बाकी तो उनके सहयोगी धर्म है, तो चार भाग हो जाते हैं, सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्या घी का भोग, घी के बने हुए मालपुओं का भोग नहीं लगता, क्योंकि अभी साधारण है ना, इसलिए चावल का भोग लगता है। हाँ, जगन्नाथ जी ने सात हंडे हैं, सात हंडे में भर के, हाँ, पकाते हैं, हाँ, तो ऊपर की हंडी में पहले पक जाता है, क्यों? और सात नारायण है ना, पहला नारायण, हाँ, तो सात नारायणों में भी जो ऊंची स्टेज का है वो ज्ञान अग्नि लगाता है, योग अग्नि लगाता है, तो पहले कौन लगाएगा, बनेगा जो पहले बनाने वाला है वो पहले बनता है, और सात बाद में बनते हैं, उनमें भी एक सबसे ऊपर है कृष्ण, और कृष्ण का कुल चंद्रवंशी और चंद्रवंशियों का कुल, वो सबसे ऊंची स्टेज वाला है तो वो पहले बनता है, फिर उसके पीछे जो जन्म लेते हैं वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले तो बाद में बनेंगे, बाद में पकेंगे या पहले पकेंगे, वो बाद में पकेंगे, जो सबसे नीचे वाली अंडी है ओ सबसे बाद में पकती फड्डी। हाँ, और ओम शांति।